एल्विश कहाँ रुका है तो मुझे भी पता है, तो तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? लोकेशन भेजो, घर में घुस के मारूंगा, होटल में जाऊंगा। यूट्यूबर से एजाज सबको टारगेट करता है। आपका भी, अगर मैं आपकी बात करूं, आपका भी कंट्रोवर्सी से बहुत पुराना नाता रहा है। अभी इन दिनों एक कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है, अगर आपने देखा होगा यूट्यूबर्स और एक्टर्स के बीच में, मतलब एजाज और एल्विश के बीच में, अगर आपने देखा होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एज अ ऑडियंस मैं आपसे जानना चाहूँ, और एज अ व्यूअर, अगर सोशल मीडिया पर भी यूज़र्स होते हैं ना, कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे सब क्लिप्स देख के। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि कुछ दिन पहले भी मुझे एल्विश के लिए एक सवाल किया गया था, मैंने उसमें खुद ही बोला था कि इनका बैकग्राउंड ही ऐसा है, लोग गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि वो कटारिया को लेके वो सवाल किया गया था। अब मैं एजाज के बारे में, अगर मुझे एल्विश के बारे में पूछा जा रहा है, एजाज वर्सेस एल्विश, तो सिर्फ यहाँ पर एजाज वर्सेस और एल्विश नहीं है, जितने भी यूट्यूबर्स है एजाज सबको टारगेट करता है। वो पागल है, वो रात को पीता है, उसके दिन में उतरती नहीं है, ये बात फैक्ट है। वो पागल है, वो हर किसी से पंगे लेता है, और जैसे कि क्या बोलता है कि लोकेशन भेजो, घर में घुस के मारूंगा, होटल में जाऊंगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो एजाज ये सारी बातें तो तुम पर भी लागू होती है। एल्विश ने तो खुला बोला था, मैं मुंबई आ चुका हूँ, और एल्विश कहाँ रुका है तो मुझे भी पता है, तो तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? ठीक है, दम हो तो स्टेटमेंट दो, अदरवाइज घर में बैठ के चश्मा लगा के स्टेटमेंट मत दो।